देखे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लाई 5746320819 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 125 से। ठीक है, सो 5746320819, ठीक है, इससे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो 125 है उसे हम जीरो वाली वैल्यू है उसमें हम कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, ताकि जो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 125 को अगर हमें जीरो में कन्वर्ट करना है तो फिर हम मतलब 1000 कर देंगे। सो देखिए, 125 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 1000 हो जाएगा। सो 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो 1000 हो जाएगा। सो बोथ साइड हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 5746320819 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइड बाय 8। ठीक है, सो इस तरह से हो जाएगा 5746320819 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा एंड उसको डिवाइड करना है 8 से। अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, सो 5746320819 उसके पीछे 3 जीरो, अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से। ठीक है, सो 8 से डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर है वो निकल के आता है 718290102375। ठीक है, सो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसे डिवाइड किस तरह से करना है वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व करके नहीं सब बता सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो यहाँ पे लास्ट में मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा, तो वहाँ पे भी क्लिक करके जो डिवाइड हमें किस तरह से करना है उसका शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो आपको शो हो रहा है, आप मुझे वहाँ से भी कोई भी डाउट जो है वो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।